बांदा टेलीविजन की दुनिया की लोकप्रिय एक्टर शिल्पा रायजादा का हुआ बांदा आगमन। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से है, जहां पर जनपद में 9 मार्च को टेलीविजन दुनिया की एक हस्ती का हुआ आगमन। पूरा मामला जनपद बांदा का है, जहां पर सौभाग्य से टेलीविजन की दुनिया का जाना माना नाम स्टार प्लस के ये रिश्ता क्या कहलाता है और जोधा अकबर जैसे लोकप्रिय सीरियलों में अपनी कला का प्रदर्शन कर धूम मचाने वाली शिल्पा रायजादा का बांदा आगमन हुआ। आपको बताते चले कि शहर के स्वराज कॉलोनी गली नंबर 5 में शिल्पा रायजादा का आगमन हुआ है। जिले के लोगों को शिल्पा से रूबरू कराने के लिए दिनांक 9 मार्च 2022 को पूर्वान्ह 11:30 बजे पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपने करियर के बारे में बताया कि किस तरह उन्होंने ये मुकाम पाया और कैसे उन्होंने अपने एक अच्छे अभिनय के द्वारा सबके दिलों में जगह बनाई। बांदा से जिला संवाददाता प्रभंजन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। तो बहुत करनी पड़ती है, अभी भी कर ही रहे हैं, क्योंकि बोलते ना अगर एक जगह रुक गए तो फिर आप थम गए। अगर आपको और ऊंचाइयां ढूंढनी है, और भी कुछ अचीव करना है, तो हमेशा कीप वर्किंग, हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। अपने आप को निखारना जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में मेहनत करनी हुई। घर वालों से कैसे सपोर्ट मिला? कुछ लोगों ने ना किया होगा, नकारात्मक सोच, पॉजिटिव क्या लग रहा है? नहीं, मेरी पूरे खानदान, हमारे यहाँ सबने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और उनकी बदौलत ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और हमेशा बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और तभी हम आगे बढ़ते हैं। कितने सालों से आप लोग मुंबई में हैं? मैं 10 साल से, 10-11 साल हो गए। फिल्म दुनिया में कहते ना, एक चेहरे में, आप तो कह रही ना कि ये चेहरा मेरा और वो चेहरा कुछ और, तो लोग कहते हैं कि वो फिल्मी दुनिया में जाने में वहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ होती है, बहुत सारा शोषण होता है, सब क्या सच है या बिल्कुल हर चीज़? मुझे लगता है दुनिया में कोई भी चीज़ जो आप तक आ रही है वो कहीं ना कहीं सच भी है और कहीं ना कहीं झूठ भी है, क्योंकि हम वहाँ पे नहीं है। जिनके साथ हो रहा है वही आपको सच्चाई बता सकते हैं, और जिनके साथ जो हो रहा है वही आपको वो बताएंगे। तो मुझे लगता है कि जो अच्छे लोग हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत कम लोग हैं, तो अच्छे लोगों के साथ अच्छा हमेशा होता है, और बहुत ज़रूरी है परिवार का एक साथ। जैसे बोलते हैं ना कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, मतलब आपके परिवार में सोच कैसी दी गई है आपको, तो वो भी मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं हमारी मतलब परिवार का पूरा सपोर्ट मिला। कोई ऐसा नहीं, वो तो होता है। बुरा पल तो ये बुरा पल बहुत अच्छा होता है, मुझे लगता है उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा पल होता तो वहीं टिक जाती है। कौन से सीरियल्स हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं? अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी मैंने ब्रेक लिया है। अच्छा, ब्रेक लिया, मतलब मुझे बुलाया जा रहा है ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं अभी मेरी एंट्री फिर से दिखाने की बातें कर रहे हैं, वो लोग मुझे फिर से बुला रहे हैं शो में, तो अप्रैल से शायद मैं फिर से कुछ दिनों के लिए उस शो में आऊँगी। यहाँ की लड़कियों के लिए, जनता के लिए, लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे तो बढ़ना चाहिए, मतलब अगर आप कुछ कर सकते हो। देखो, पता है होता क्या है कि हम लड़कियां जो है ना वो खुद ही डर जाती हैं, कॉन्फिडेंस की खुद कमी रहेगी तो फिर पेरेंट्स या फैमिली फ्रेंड्स कोई भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है अंदर से खुद में जज्बा होना चाहिए कुछ करना है। अगर आपको करना है तो मतलब माता पिता सभी को दिखेगा, अरे ये नहीं, ये तो कर लेगी, तो उनको इतना कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए लड़कियों को मुझे लगता है खुद ही आगे बढ़ना चाहिए, मतलब उनके कदम खुद इतने स्ट्रांग हों कि आपके साथ में ना पूरी फैमिली आपका सपोर्ट करे। क्या फिल्मों में मौका नहीं मिला आपको काम करने? मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। अच्छा, किस किस नाटक में कौन कौन सा रोल किया है आपने? मैंने हमारी देवरानी में नेगेटिव रोल किया था, खलनायिका जो कहते हैं, और फिर मैंने किया कृष्णा बेन खागरा वाला। उन लोगों ने कहा कि आप नेगेटिव रोल कैसे कर सकते हो, आप तो बड़े बबली कैरेक्टर है, तो वो बबली कैरेक्टर था, बड़ा हसमुख रोल था। फिर माता की चौकी में मैंने सीता का रोल किया, तो वो बिल्कुल ही विपरीत था ये दोनों कैरेक्टर से। फिर मैंने किया जोधा अकबर में दो करेक्टर थे, वो एक ही इंसान के दो रूप थे, एक में उसको दिखाया कि फिर थोड़ी सी पागल सी है, मन बुद्धि है, फिर बाद में वो बहुत ज़्यादा